देखिए रायबरेली की घटना का जो वीडियो वायरल हुआ उस पर जैसे ही संज्ञान में आया उस पर कड़ी कार्रवाई की गई। जेल अधीक्षक से लेकर जेल के वार्डन तक 5 लोगों को निलंबित किया गया और जांच के आदेश दिए गए। जांच के बाद अगर कोई और तत्व सामने आता है या जिस भी अधिकारी की कमी होगी उन पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। कहीं कोई सरकार की मंशा और किसी को बचाने की नहीं है। जो भी आदमी व्यक्ति आज तक 19 महीने के अंदर सरकार में जब भी कोई घटना हुई है उस पर जो व्यक्ति दोषी मिला है उस पर कठोर कार्रवाई की गई है। मतलब जो लोगों के बीच में जेल को लेके एक डर हुआ करता था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि मतलब जो कैदियों के अय्याशियों का अड्डा बनता जा रहा है जेल, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जेल विभाग में डर मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने सुधार कराया है जेल के अंदर और जेलों के अंदर जिस तरीके से चीजों पे सुधार हुआ है, चाहे वो जैमर के लिए हो, चाहे डीप मेटल डिटेक्टर हो, चाहे स्कैनर हो, सीसीटीवी कैमरे हो, तो उसके माध्यम से चीजें तो सामने आ रही हैं। जेलों में जिस तरीके की घटनाएं पहले हुआ, लेकिन हम लोग कोई भी घटना आती है, जानकारी होती है, उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ, बहुत सुधार जेलों में हुआ। जेल के अपराधियों का स्थानांतरण करना, इधर उनके नेटवर्क को तोड़ना, क्योंकि अपराधी हैं जेल के अंदर हैं, कहीं ना कहीं कोई अधिकारी से साठ गांठ करके अगर मिली भगत से अगर कोई चीज करते हैं तो जब जानकारी मिलती है तो उस पर कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। हरिओम भाई बहुत।